सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हमारी क्लास जीके को लेकर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम आपके लिए। इनमें से दो या तीन क्वेश्चंस आपको एक पीटीटी के एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं, क्योंकि तैयारी का समय है, बहुत कम समय रह गया एग्ज़ाम को लेकर। 21 तारीख यानी कि कल आपका एग्ज़ाम है। आज अंतिम दिन में आप बस ये प्रश्न एक बार नज़र डाल लीजिएगा, इसमें से एक या दो प्रश्न आपके ज़रूर बैठने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो मीराबाई को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की राधा मीराबाई। अगला है, राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहते हैं? गौरी देवी, जो कि पाली की रहने वाली है। ठीक है, अगला है, मीराबाई का अवतार किसे कहते हैं? गौरीबाई, जो कि जोधपुर से है। ठीक है, अगला है, भारत की मोनालिसा बड़ी ठणी को कहते हैं? किशनगढ़ शैली की ये पेंटिंग से एक, जिसको निहाल चंद मोरध्वज ने बनाया था। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहते हैं? राजस्थान की जलपरी। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहते हैं? प्रमुख संत हुए ये हमारे। राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था इनको राजपुताने का कर्ण। ठीक है, अगला देखिए, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहते हैं? आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको हम आपको एक ट्रिक से समझा सकते हैं, जिससे आप दोनों का कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। राजपुताने का कर्ण में पहले राय आ रहा है, तो राजपुताने का कर्ण राय सिंह हो जाएगा। कलयुग का कर्ण में क आ रहा है, और इसमें लूणकरण में भी लूणकरण में क आ रहा है। कलयुग में भी कलयुग और लूणकरण लगभग सेम अक्षर जो है वो उनकी आवृत्ति हो रही है, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? मूणोत नेंडसी को कहते हैं। डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृति है वो है वेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है, अगला देखिए, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, महाराणा प्रताप को कहा जाता है। आगे है, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। आगे है, मेवाड़ का भीष्म पितामह राव चुंडा को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी और हंसाबाई से विवाह करने से मना कर दिया, और राणा लाखा ने हंसाबाई से विवाह किया था। ठीक है, अगला है, रणहस्तिन वत्सराज को कहा जाता है। फिर है, मेवाड़ का कर्ण प्रताप के जो मंत्री थे भामाशाह, उनको कहा जाता है मेवाड़ का कर्ण। महाराजाधिराज राय राव राजगुरु दान गुरु हाल गुरु हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, ये सब किसकी उपाधियां हैं? तो ये महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। अगला है, विषम काटी पंचानन, तो ये राणा हमीर की उपाधि है। ठीक है, ये आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है, इनमें से आपको एक या दो प्रश्न 100% श्योर के साथ मैं कह सकती हूँ आपको जरूर मिलने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट हुए। आज आप पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सभी के पेपर उठा के देख लीजिए, इनमें से आपको दो या तीन प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है, पांचवा वेद या 19वां पुराण किसको कहा जाता है? वेली कृष्ण रुक्मणी। अभी हमने आपको बताया पृथ्वीराज राठौड़ की है, जिसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है। और किसने कहा था पांचवा वेद 19वां पुराण? दुर्सा आडा ने कहा था। ठीक है, अगला है, मारवाड़ का महाराणा प्रताप या भुला बिसरा राजा, जैसे मेवाड़ का महाराणा प्रताप हमारे महाराणा प्रताप है, उसी प्रकार मारवाड़ में जो राव चंद्रसेन हुए हैं उन्हें भुला बिसरा राजा भी कहा जाता है, और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने भी प्रताप की तरह ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर है, रूठी रानी रानी उम्मादे को कहा जाता है, जो मालदेव की रानी थी। अगला है, सुल्तान मस्ताना या सुल्तान हिस्सा, ये मानबाई को कहा जाता है, ये मानबाई की उपाधि है। ठीक है, आगे मरियम उजमानी, ये हमने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है, उसमें हमने बताया था मरियम उजमानी कौन थी, हरका बाई अकबर की रानी थी, ये उसी की उपाधि है। फिर अगला है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, पाली में जो जवाई बांध है उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। आगे है, राजस्थान या मारवाड़ का अणविंध्या मोती, वीर दुर्गादास राठौड़े जिन्होंने मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह उनकी रक्षा की थी, गोरादाय और दोनों ने मिलकर, तो उन्हीं को कहा जाता है मारवाड़ अणविंध्या मोती। ठीक है, वीर दुर्गादास। मारवाड़ की पन्नादाय गोरादाय, वही जिन्होंने अजीत सिंह को बचाया था। फिर है, महक परी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महक परी कहा जाता है। अगला है, महल परी, दोनों में अंतर है, आप ध्यान से पढ़िएगा, महल परी कहा जाता है बेगम हजरत महल को। ठीक है,
आदिवराहा, प्रभास, ये किसके उपाध्याय? मिहिर भोज की उपाध्याय। क्या वाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विभत्स जो कांड हुआ है वो कौन सा हुआ था? निमूचना हुआ था, जो कि अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाता है? नीमड़ा हत्याकांड को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, जो हमारे राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय वाले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला है वांगड़ का गांधी, जो किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। फिर देखिए, राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। जंगल की ज्वाला के नाम से किस पौधे को जाना जाता है? तो ढाक या पलास के पौधे, जो आपको मेवाड़ साइड में सर्वाधिक मिल जाएंगे। उनके फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लगी हो। केसर या हिरमिच कलर के फूल होते हैं उनके। ठीक है, रेगिस्तान थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, किसान का अकाल मित्र किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। ठीक है, आगे रेगिस्तान का सागवान, आप इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं। ये थार का कल्प वृक्ष है जबकि यह रेगिस्तान का सागवान है। तो जहाँ रेगिस्तान का सागवान आए वहाँ आपको रोहिड़ा पुष्प करना है, लेकिन कल्प वृक्ष क्योंकि वृक्ष दे रखा है तो आपको खेजड़ी वृक्ष करना है। मारवाड़ टिक, रेगिस्तान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, ये सभी रोहिड़ा पुष्प के उपनाम है। आगे देखिए, राजस्थान की आत्मा, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? तो राठी गाय को कहा जाता है। भारत की मेरिनो किस भेड़ का नाम है? तो ये चोगला भेड़ है। चोगला एक भेड़ की नस्ल है, उसे कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो, बंड देवरा जो कि बारा में है, जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो जो है वो किराड़ू है, किराड़ू में है, जो कि बाड़मेर में। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू, बाड़मेर। फिर मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका का मंदिर है, जो कि उदयपुर में है। अगला है राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। सभी तीर्थों की नानी, नानी कहा जाता है देवयानी, जो कि जयपुर में है। तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहा जाता है, जो कि धौलपुर में है। तीर्थों का मामा पुष्कर, अजमेर। जोधपुर की नूरजा गुलाब राय को कहा जाता है, जो कि महाराणा विजय सिंह की पासवान रानी थी। अगला है राजस्थान का ताजमहल, जो कि जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जो जोधपुर में है। अगला है राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ये राय मलोत का थड़ा है, जो बीकानेर में। आगे है शेखावटी का ताजमहल, खेतड़ी के महल को शेखावटी का ताजमहल की संज्ञा दी गई है, जो कि झुंझुनू जिले में अवस्थित है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह है, जो प्रतापगढ़ जिले में है। मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत का कहा जाता है, मारवाड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान का चाणक्य जो है वो हरदेव जोशी जी को कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद जोरावर सिंह बारहट को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी चंद्रशेखर की तरह ही गोलियां चलाई थी। अगला है राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। राजस्थान का ददीची है वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो हमें लगभग सभी एग्जाम में हमको दो या तीन इनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पिछले जितने भी पेपर है, PTET, BSTC, BEd या फिर रीट, जो भी एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान में, उन सभी में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर इन सभी को पढ़ के जाए। आज का अंतिम दिन है, ज़्यादा कुछ ना पढ़े, ज़्यादा लोड ना ले, बस हल्का हल्का नज़र डाल दे। अब तक आपने जितना पढ़ा है बस वही इनफ है। ज़्यादा पढ़ोगे तो और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लास्ट के समय में ज़्यादा लोड वाली स्टडी हमें नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है। जो भी एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए उन्हें अच्छे से फॉलो करें। ब्लैक बॉल पेन या नीला बॉल पेन लेकर जाए, जो कि पारदर्शी हो। कपड़े आपको कैसे पहनने हैं, यह एडमिट कार्ड पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। समय से पहले जाना है, 1 घंटे पहले जाना है। एडमिट कार्ड के 2-3 फोटोकॉपी लेके जानी है, एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम देना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।